तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। द एलिमेंट्स 117 एंड 120, तो कुल मिला के ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से एटॉमिक नंबर होगा। तो जो हमारे यहाँ पे 117 एंड 120 एटॉमिक नंबर है, ये अभी तक यहाँ पे क्या है, डिस्कवर नहीं हुए। इन विच फैमिली और ग्रुप वुड यू प्लेस दीज एलिमेंट्स एंड ऑल्सो गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इन ईच केस। तो यहाँ पे बताया गया कि ये अभी तक तो डिस्कवर नहीं हुए, बट अगर यहाँ पे डिस्कवर होते हैं तो आपको यहाँ पे कौन से ग्रुप या फैमिली में इसको रखना पड़ेगा, एंड इसका हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन भी लिखना है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, जो हमारे यहाँ पे पीरियडिक टेबल होता है उसमें हमारे यहाँ पे कितने पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमारे यहाँ पे पीरियडिक टेबल है, पीरियडिक टेबल, इसमें जो हमारे यहाँ पे कितने पीरियड है, 7 पीरियड्स है, 7 हमारे यहाँ पे क्या है, पीरियड्स है। बाकी हमारे वहां पे क्या है, 18 ग्रुप्स हैं। क्या है हमारे यहाँ पे, 18 ग्रुप्स हैं। तो 7 पीरियड में जो हमारे यहाँ पे एलिमेंट्स हैं वो हमारे यहाँ पे कैसे होंगे, फर्स्ट पीरियड में हमारे यहाँ पे क्या है, 2 एलिमेंट्स हैं, सेकंड में यहाँ पे 8 है, थर्ड में यहाँ पे 8 है, फोर्थ में यहाँ पे 18 है, फिफ्थ में यहाँ पे 18 है, सिक्स्थ में यहाँ पे 32 है, एंड सेवन्थ में हमारे यहाँ पे कितना है, 32 है। तो ये लगभग हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, 7th ग्रुप की बात हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे 117 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो हमारे यहाँ पे कितना आएगा, 85 आएगा। और 85 नंबर पे जो हमारे यहाँ पे एलिमेंट्स है उसका नाम हमारे यहाँ पे क्या है, एस्टेटीन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसका नाम हमारे यहाँ पे क्या है, एस्टेटीन है। और जो हमारे यहाँ पे एस्टेटीन है वो हमारे यहाँ पे कौन से ग्रुप में आ रहा है, ये हमारे यहाँ पे ग्रुप नंबर 17 में आ रहा है। और इसका मतलब जो हम यहाँ पे एलिमेंट्स 117 रखेंगे वो हम यहाँ पे कौन से ग्रुप में रखेंगे, 17th ग्रुप में रखेंगे। एंड 17th ग्रुप हमारे यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप है। कौन से हमारे यहाँ पे, हैलोजन ग्रुप है। तो हमने यहाँ पे ये तो पता कर लिया कि ये हमारे यहाँ पे कौन से ग्रुप में होगा, 17th ग्रुप में होगा। कैसे पता करा, जो हमारे यहाँ पे एटॉमिक नंबर था उसको हमें यहाँ पे 32 से सब्ट्रैक्ट करना है, जिससे कि हमें यहाँ पे पता चल जाए कि वो कौन से ग्रुप में होगा। क्योंकि यहाँ पे 7th पीरियड पे जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होगी, हर 32 एलिमेंट्स पे यहाँ पे क्या होगी, सेम प्रॉपर्टीज होगी। इसलिए जो हमें यहाँ पे एलिमेंट्स 117 को रखना पड़ेगा वो हमें यहाँ पे ग्रुप 17 में रखना पड़ेगा, जो कि हमारे यहाँ पे क्या है, हैलोजन का ग्रुप है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख लूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे वो हम यहाँ पे किसका निकालेंगे, 107 एटॉमिक नंबर का निकालेंगे। जब भी हम यहाँ पे बड़े एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या है, 117 है, तो इससे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इससे पहले कोई यहाँ पे इनर्ट गैस नोबल कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या आएगा, 86 नंबर पे आएगा, 86 हमारे यहाँ पे क्या होगा, रेडोन होगा। इसका सिंबल हमारे यहाँ पे क्या होता है, Rn होता है। तो इसे हम यहाँ पे डिनोट कर लेंगे। और 86 के आगे हमें यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पे 117 हो जाए, तो हमें यहाँ पे 31 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो ये हमारे यहाँ पे कुछ इस प्रकार फिल होंगे। इसमें हमारे यहाँ पे क्या होगा, एफ ब्लॉक में हमारे यहाँ पे आ जाएंगे 14 एलिमेंट्स। इसके बाद हमारे यहाँ पे आएगा 6d, एंड डी में हमारे यहाँ पे कितने आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इसके बाद हमारे यहाँ पे आ जाएगा 7s2, एंड यहाँ पे आ जाएगा 7p5। तो यहाँ पे 14 + 10 हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 24, एंड यहाँ पे कितना आ गया, 7, जो कि हमारे यहाँ पे कितना है, 31 है। एंड रेडोन का जो हमारे यहाँ पे एटॉमिक नंबर था वो हमारे यहाँ पे कितना था, 86 था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे यहाँ पे क्या है, रेडोन है। एंड इसका सिंबल हम यहाँ पे Rn से डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितना है, 86 है। एंड इसके आगे की जो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है वो मैंने यहाँ पे लिख दी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे शुरू से लिखता 1s2 2s2 तो काफी बड़ा हो जाता। तो इससे पहले हम यहाँ पे क्या देखते हैं, कौन सा हमारे यहाँ पे इनर्ट गैस नोबल कॉन्फ़िगरेशन है, उसका हम यहाँ पे सिंबल नोट डाउन कर देंगे। एंड इसके आगे जो यहाँ पे शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पे एफ में 14 है, डी में 10 है, एस में 2 है, एंड पी में हमारे यहाँ पे 5 है। और इसके आगे के जो इलेक्ट्रॉन्स का सम है वो हमारे यहाँ पे कितना हो रहा है, 31 हो रहा है। तो टोटल हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 117 आ जाएगा। तो ये वाला हमारे यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, जिसका एटॉमिक नंबर हमारे यहाँ पे कितना है, 117 है। अब मैं यहाँ पे 120 की बात कर लूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हम यहाँ पे एटॉमिक नंबर लेंगे वो हम यहाँ पे 120 का लेंगे। इसमें भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, 32 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 7th पीरियड में हर 32 एलिमेंट्स का क्या होता है, प्रॉपर्टी सेम होती है। तो यहाँ पे 32 सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। और जो हमारे यहाँ पे 88 है वो हमारे यहाँ पे कौन से ग्रुप में आ रहा है, ग्रुप सेकंड में आ रहा है। किस में आ रहा है, ग्रुप सेकंड में आ रहा है। एंड जो हमारे यहाँ पे ग्रुप सेकंड है वो हमारे यहाँ पे क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो हमने यहाँ पे ग्रुप तो बता दिया कि ये हमारे यहाँ पे एल्कलाइन अर्थ मेटल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
ऑफ एटॉमिक नंबर 120। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब भी हम यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखेंगे, इससे पहले हम यहाँ पे इनर्ट गैस नोबल कॉन्फिगरेशन देख लेंगे। जैसे कि पहले में हमारे यहाँ पे क्या रहा है, रेडोन आ रहा है, तो रेडोन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या है, 86 है। प्लस हमें यहाँ पे 32 प्लस करेंगे, तो इसमें हमारे यहाँ पे नेक्स्ट जो नोबल कॉन्फिगरेशन होगा वो हमारे यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इस कंडीशन में हमारे यहाँ पे कितना आएगा, 628 8311। तो 118 पे हमारे यहाँ पे नेक्स्ट नोबल कॉन्फिगरेशन है, और 118 के सिंबल को हम यहाँ पे कैसे नोट डाउन करेंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे वन होता है, इसका जो हम यहाँ पे एब्रीविएशन यूज करेंगे वो हम यहाँ पे यू यूज करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। इसके बाद हमारे यहाँ पे दोबारा वन आ रहा है, दोबारा क्या करना पड़ेगा, यू लिखना पड़ेगा। एंड इसके बाद हमारे यहाँ पे एट आ रहा है, एंड एट पे जो यहाँ पे सिंबल यूज करेंगे वो हम यहाँ पे ओ यूज करेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू यू ओ हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे नॉर्मल कॉन्फिगरेशन हो गया, जिसका एटॉमिक नंबर हमारे यहाँ पे कितना है, 118 है। और इसके आगे हमें यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स और लेने पड़ेंगे, जब जाके ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, 120 होगा। तो इसके आगे का जो शेल होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, 8s2 होगा। अब जाके इसके जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे यहाँ पे 120 हो चुके हैं, एंड जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, यू यू ओ 8s2 हो जाएगा। एंड इसका जो यहाँ पे ग्रुप होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, सेकंड होगा, जो कि हमारे यहाँ पे एल्केलाइन अर्थ मेटल है। एंड ये टेबल हमें यहाँ पे एनसीईआरटी में पहले से ही मिला, जो कि हमारे यहाँ पे क्या है, 3.4 नंबर पे। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।